Hi everyone, a very pleasant good morning all of you guys. How are you doing all? I hope that you will have well, you will have healthy, you will have safe, you will have happy. I am Dr. Arun, you are watching our YouTube channel, The Essential Knowledge For You. You all are very welcome in our YouTube channel, The Essential Knowledge For You. If you are new to our YouTube channel, if you haven't subscribed our YouTube channel yet, please kindly subscribe to our YouTube channel and kindly hit the bell icon button to watch more videos. आई एम बैक ब्रिंग विद एनी वीडियो कैन गाइस। सो गाइस मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ गाइस, आप सभी के लिए फिर से एक और नया वीडियो लेकर इस बार से। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में जो बेल आइकन बटन है उसको ऑल पर जरूर कर लें गाइस। जैसे मैं अगर मैं अपने यूट्यूब चैनल कोई भी नया वीडियो डालता हूँ गाइस, उसकी जो नोटिफिकेशन है आप सभी के साथ पहले गाइस। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे बैक्सन कंपनी के रिसेंटली लॉन्च किए गए अल्फावीना माल्ट से रिलेटेड, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आज की वीडियो में यही मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल मेरे पास वो अवेलेबल भी है गाइज। मैं आपको बताऊंगा इसे कुछ ऐसे स्पेसिफिक यूज़, कुछ ऐसे क्रिटिकल यूज़ जो कि आपकी हेल्थ के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे माल्ट है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, यूजफुल प्रोडक्ट है गाइज ये। गाइज मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको यूज़ करना है, कैसे आपको लेना है, कितनी डोज आपको यूज़ करनी है, कितनी मतलब आपको यूज़ करनी है, कितने टाइम आपको यूज़ करनी है, किसके साथ आपको यूज़ करनी है, कब तक आपको लेनी है, कब तक आपको यूज़ करनी है गाइज, कितनी एमआरपी में आपको अवेलेबल मिलेगी, कहाँ से आपको अवेलेबल मिलेगी, क्या कॉम्पोजिशन आपको देखने को मिलेगा, कितने कॉम्पोजिशन में इसमें डले हैं गाइस, इसकी कंप्लीट नॉलेज मैं आपको दूंगा गाइस। लिटरली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरी तरह से, आपको इसकी पूरी जानकारी आपको दूंगा गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो शेयर जरूर करें और चैनल पर नए चैनल को प्लीज़ शेयर जरूर करें, फॉरवर्ड जरूर करें। दिस वीडियो इज़ क्रिटिकल फॉर ऑल ऑफ यू, आई थिंक यू मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल एंड गाइस। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्ट। मेडिसिन जिस माल्ट की मैं आप सभी से डिस्कस कर रहा था, जिसके बारे में आपको बता रहा था, तो ये है वो माल्ट। आप इसको प्रॉपरली देख लें, मैं आपको बता दूँ क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके यूज़ हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके उपयोग हैं। मैं आप सभी को इसके कुछ ऐसे स्पेसिफिक यूज़ में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ ऐसे क्रिटिकल यूज़ में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जो कि आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल मेडिसिन है, आप सभी के लिए यूज़फुल प्रोडक्ट है, आप सभी के लिए क्रिटिकल माल्ट है। गाइज मैं बता दूँ क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं। गाइज ये माल्ट वर्क करता है फैटिक डिज के लिए, कमजोरी के लिए, बहुत ज़्यादा कमजोरी आपको महसूस होती है आपके शरीर में, बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आप महसूस करते हैं, एग्जॉस्ट फील जैसे आप करते हैं, बहुत ज़्यादा थकावट आपको महसूस होती है, थोड़े से काम से आपको थकावट महसूस होने लगती है, जैसे आप कोई भी आप काम करते रहते हैं आपको इसे क्या आपकी आंखों के सामने अंधेरे छाने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि एनेस्थेसिया कंडीशन हो जाती है, बेहोशी की भी हालत हो जाती है, बीपी आपका बिल्कुल लो रहता है, ब्लड प्रेशर आपका जो है कम रहता है और बहुत ज़्यादा थकावट आप महसूस करते हैं, किसी भी काम में हम मन नहीं लगा पाते हैं, किसी काम में कंसंट्रेट आप नहीं कर पाते हैं। और ये बात करो आपकी भूख के लिए भी बहुत अच्छा माल्ट है गाइस, जैसे लॉस ऑफ एपेटाइट जिसे हम कह सकते हैं, भूख का नहीं लगना, पुअर एपेटाइट के लिए बहुत ही अच्छा माल्ट है गाइस ये। जैसे कि कई बार देखा जाता है कि भूख कम लगती है, खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, खाना खा लेता तो उसको जो है उल्टी उसको हो जाती है, वोमिट उसको हो जाती है और उसको उबकाई सी आती है, जैसे उसके सामने खाना रखते जाए तो उसको उबकाई आने लगती है, उल्टी आने लगती है। तो गाइज ये भूख को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा माल्ट है। एक की बात करो एपेटाइट इंक्रीजर है गाइज ये, भूख को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा माल्ट है। सो गाइज ये माल्ट वर्क करता है स्लीपनेस डिजीज़ के लिए, कई बार देखा जाता है कि नींद नहीं आती है, इंसोमनिया इसको कह सकते हैं, कि नींद के नहीं आना, प्रॉपरली इसे सो नहीं पाते हैं, सही से नींद नहीं आ रही है, नींद आती तो जो है रिलैक्स आप सही से नहीं कर पाते, स्लीप डिजीज़ के लिए बहुत स्लीप के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है, नींद लाने के लिए बहुत अच्छा माल्ट है गाइस ये। सो गाइस ये माल्ट वर्क करता है अंडर वेट के लिए, जिनका वेट जैसे गेन नहीं हो पा रहा है, वेट बढ़ नहीं पा रहा है और उनका वेट जो है दिन प्रतिदिन वेट घटता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, वेट उनका गेन नहीं हो रहा है और इसी वजह से वो जो है कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में भी आने से पहले उनको जो बहुत ज़्यादा वो शर्म उनको आती है, बहुत ज़्यादा हेजिटेशन सी उनको रहती है, किसी से बात करने में बहुत ज़्यादा वो हेजिटेट से फील करते हैं गाइस। सो गाइस अंडर वेट के लिए बहुत ही अच्छा माल्ट है गाइस। गाइस माल्ट का यूज़ किया जाता है न्यूरालजी वीकनेस के लिए, जैसे आपके जो नसें हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और आपके हाथ पर में जैसे नमनेस ही रहती है, सुनपन से रहता है, ऐसा लगता है कोई कीड़ी चल रही है, कोई कीड़े चल रहा है, सुनपन से रहता है और आप जैसे जैसे जहाँ पे आप बैठ जाते हैं, जैसे आप चेयर बैठे रहते हैं, आपके जो हाथ पैर जो हैं सो जाते हैं, सुनपन से को यूज़ किया जाता है नर्वस एग्जॉशन के लिए, नर्वस वीकनेस के लिए, जैसे नर्वस एग्जॉशन जैसे आपको रहता है, नर्वस वीकनेस जैसे आपको रहती है, लॉन्ग टाइम से आपको हो रही है गाइस, काफ़ी लंबे से आपको हो रही है, क्रॉनिक है, पुराना है। सो गाइस इसके यूज़ से आपको नर्वस वीकनेस भी दूर होगी, नर्वस एग्जॉशन भी दूर होगी गाइस, बहुत ही अच्छा माल्ट है गाइस ये। सो गाइस इस माल्ट का यूज़ किया जाता है
हार्ट की वीकनेस की वजह से हार्ट आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आप जो है अचानक आप डर जाते हैं, जैसे आप अंधेरे से डरते हैं जाने में, और किसी भी जैसे कोई आपके अचानक आपके सामने आ जाता है और अब सडनली आप जो है आपके फेयरनेस आपके हार्ट के अंदर आ जाता है, डर बैठ जाता है। एक बहुत अच्छा माल्ट है हार्ट की वीकनेस के, हार्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके हार्ट की वीकनेस के लिए बहुत अच्छा माल्ट है गाइस। माल्ट को यूज़ किया जाता है मसल्स को डेवलप करने के लिए, आपकी जो मसल्स हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, उनका जो है सही से उनका जो है विकास नहीं हो पा रहा है, उनकी ग्रोथ सही से नहीं हो पा रही है, आपकी मसल्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा माल्ट है। माल्ट को यूज़ किया जाता है रेस्टलेसनेस के लिए, जैसे शरीर में बेचैनी सी बनी रहती है, रेस्टलेसनेस के लिए बहुत ही अच्छा माल्ट है ये। इस माल्ट को यूज़ किया जाता है ब्रेन वीकनेस के लिए, दिमागी कमजोरी के लिए बहुत ही अच्छा माल्ट है ये। लॉस ऑफ मेमोरी जैसे आप कहते हैं, याददाश्त आपकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, कुछ भी आपको याद नहीं रहता, जो भी आप काम करने वाले हैं, जो आपने काम किया है वो भी आप भूल जाते हैं। याददाश्त को बेहतरीन बनाने के लिए, लॉस ऑफ मेमोरी को रिकवर करने के लिए बहुत ही अच्छा माल्ट है गाइस ये। इस माल्ट को यूज़ किया जाता है लैक्टेशन कंडीशन में, प्रेगनेंसी कंडीशन में इस माल्ट को यूज़ किया जाता है, जैसे कि जो प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती है, गर्भवती जो महिलाएं होती हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा माल्ट है ये। इस माल्ट को यूज़ किया जाता है कन्विलसेंट जैसे कंडीशन में, इस माल्ट को यूज़ आप कर सकते हैं, जैसे आपको जो किशोर अवस्था जैसे हम कह सकते हैं उस कंडीशन में इस माल्ट को यूज़ किया जा सकता है, जैसे अंडर नरिसिस जैसे रहती है, जैसे आपको सही से न्यूट्रिशन आपको मिल नहीं पाता है, न्यूट्रिशन के लिए बहुत अच्छा माल्ट है ये। इसमें होल न्यूट्रिशन इसमें डेलेंट को यूज़ किया जाता है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के लिए, जैसे आपकी जो पाचन क्रिया है, जो आपको खाना जैसे आप खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, सो इसके यूज़ से आपके आपका जो पाचन क्रिया है उसमें भी बहुत सुधार होगा और आपके खाने में अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा। सो इस माल्ट को यूज़ किया जाता है आस्थेनिया डिजीज के लिए, जैसे कि मैं बात करूँ आपके शरीर के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती, एक्टिवनेस बिल्कुल नहीं होता, फुर्तीलापन बिल्कुल नहीं होता है, आप जैसे कि बिल्कुल ही स्लगिश सा जैसा आपको रहता है, सुस्त से आप जैसे रहते हैं। सो गाइस इसके यूज़ से आपको आस्थेनिया डिजीज में भी बहुत अच्छा सुधार मिलेगा और आपको एक्टिवनेस आपके बॉडी में आएगी, एनर्जी आपके अंदर आएगी बहुत ज़्यादा और एक्टिव आप हो जाएंगे, फुर्तीलापन आपके अंदर आएगा। सो गाइस माल्ट को यूज़ किया जाता है कैल्शियम की कमी के लिए, जैसे कैल्शियम की मैं बात करूँ आपके जो बोन्स है बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उनसे जैसे कि क्रैकिंग साउंड जैसे आता है और ये आपकी जो है बोन को स्ट्रॉन्ग करेगा और कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा, और आपके जो बोन्स जो वीक हैं जैसे कि क्रैक साउंड जैसे उनसे आता है, जैसे कि कटकटाहट जैसे आवाज़ जैसे आती है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छा माल्ट है। सो इस माल्ट को यूज़ किया जाता है मेंटली वीकनेस के लिए, फिजिकली वीकनेस के लिए, शारीरिक कमजोरी के लिए, मानसिक कमजोरी के लिए। सो गाइस ये कम्प्लीट टॉनिक है, एक ये बात को एक फैमिली कम्प्लीट टॉनिक है, कोई भी इसको ले सकता है। और ये बात करूँ आपके जैसे कि आपके जो इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, आपकी जो प्रतिरोधी शक्ति जो होती है उसके लिए बहुत अच्छा माल्ट है गाइस ये, और ये आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको जो है सेफ रखने के लिए, उसको बात करूँ सिक्योर रखने के लिए बहुत अच्छा माल्ट है आपके। इसके यूज़ से आपका जो है इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो भी बूस्ट होगा और वो भी जो है इंक्रीज़ होगा। सो ये इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा माल्ट है, इसको यूज़ आप कर सकते हैं और कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, कोई आपके जो फैमिली में चाहे वो बड़ा है चाहे बूढ़ा है, चाहे आपके बच्चे हैं चाहे आपकी वाइफ है चाहे खुद आप क्यों ना हो, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस मैं बता दूँ कैसे आपको माल्ट यूज़ करना है, कैसे आपको लेना है, कितने रोज़ आपको यूज़ करनी है, कितनी मेल आपको यूज़ करनी है, कितने टाइम आपको यूज़ करनी है, किसके साथ आपको यूज़ करनी है। सो गाइस मैं आपको इसके लिए बता दूँ, गाइस मैं आपको जो है वन स्पून आपको यूज़ करना है विद आपको इसमें ल्यूक वर्म मिल्क आपको यूज़ करना है, वन गिलास आपको ल्यूक वर्म मिल्क यूज़ करना है, हल्का निमाय दूध आपको लेना है और वन स्पून आपको इसमें माल्ट आपको यूज़ करना है, वन से टू स्पून भी इसमें ले सकते हैं, एक से दो चम्मच भी इसमें डाल सकते हैं, और आप इसको रात में यूज़ करें और इसको जो सुबह शाम इसका यूज़ आप कर सकते हैं, मॉर्निंग इवनिंग में इसका यूज़ आप कर सकते हैं, और इसको प्रेगनेंसी टाइम में आप दे सकते हैं, जैसे कि बात करूँ गर्भवती जो महिला होती हैं उनके लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है, और इसको ब्रेड फीस पे भी लगा के आप यूज़ आप कर सकते हैं, जैसे कि कैचअप होता है उस टाइप में इसको यूज़ आप कर सकते हैं, डेली में यूज़ करें इसको, बहुत अच्छा आपको इसका रिजल्ट देखने मिलेगा। सो गाइस मैं बता दूँ ये माल्ट आपको कितने MRP में आपको अवेलेबल मिलेगी, कहाँ से आपको अवेलेबल मिलेगी। सो गाइस पहले को बता दूँ कितनी MRP में आपको अवेलेबल मिलेगी माल्ट, सो गाइस ये आपको मिलेगी 325 के अप्रोक्सीमेट आपको अवेलेबल मिलेगी, 325 के अप्रोक्सीमेट आपको अवेलेबल मिलेगी। सो गाइस मैं बता दूँ कहाँ से आपको अवेलेबल मिलेगी माल्ट, ये गाइस आपको होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से आपको अवेलेबल मिलेगी, होम्योपैथिक क्लिनिक से आपको अवेलेबल मिलेगी, ऑनलाइन ही परचेस आप कर सकते हैं गाइस को, गाइस आप इसको जो है अमेजन से परचेस आप कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से परचेस आप कर सकते हैं, वन एम जी से भी परचेस आप कर सकते हैं, बैक्सन की वेबसाइट से ही परचेस आप कर सकते हैं,
और इसको बात को स्नैपडील से भी परचेज कर गाइस सकते मैं हैं। बता दूं क्या कॉम्पोजिशन इसमें दिया हुआ है गाइस, कितने कॉम्बिनेशन इसमें डले हुए हैं। अगर मैं बात करूँ कॉम्बिनेशन की, इसमें 12 कॉम्बिनेशन इसमें डले हुए हैं, 12 कॉम्बिनेशन इसमें डले, बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन इसमें दिया हुआ है। सो गाइस मैं आपको बता दूँ इसमें गाइस अल्फा अल्फा इसमें 2x में है, एविना सैटिवा 2x में है, चिन होना ऑफिशियलिस 2x में है, विद हैनिया सेमनी फेरा 2x में है, हाई रेटिस कैंडिडेस इसमें 2x में है, और एसिडम फॉस्फोरिकम इसमें 2x में है, कल्केरिया फॉस्फोरिका 3x में है, काली फॉस्फोरिकम 3x में है, फेरम फॉस्फोरिकम 3x में है, मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम 3x में है, नेट्रम फॉस्फोरिकम 3x में है। सो गाइस इसमें यही इसमें कॉम्बिनेशन डले होंगे, बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन इसमें दिवाए, बहुत ही अच्छा कॉम्पोजिशन इसमें डला हुआ है। बता दूँ ये माल्ट ये मेडिसिन कब तक आपको यूज़ करनी है, कब तक आपको लेनी है, तो इसके 2 से 3 महीने कंटिन्यूस के यूज़ करें, 2 से 3 महीने बराबर इसको यूज़ करें। और इसके साथ ही गाइस आपको एक अच्छी डाइट भी आपको लेनी है, अगर आपको अपना वेट गेन करना है तो इसमें आपको प्रोटीन वाली चीज़ ज़्यादा आपको खानी है, क्योंकि ये एक मेडिसिन नहीं काम करेगी, इसके साथ आपको अच्छी डाइट भी लेनी है। जैसे आप जो प्रोटीन वाली चीज़ ज़्यादा आप खाएं, जैसे कि आप एग ले सकते हैं, चिकन आप ले सकते हैं, बनाना आप ले सकते हैं, सोयाबीन आप ले सकते हैं, और अंकुरित दालें आप ले सकते हैं, ये भी आप डेली में लेंगे जब भी आपका वेट गेन होगा, और बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। और इसका 2 से 3 महीने बराबर इसका यूज़ आप कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं जैसे बच्चों के लिए कितना आप इसमें जो है किन रोज़ आप दे सकते हैं, इसमें आप जो अपने अपने चिल्ड्रन के लिए आप इसमें जो है 1 स्पून इसमें यूज़ आप कर सकते हैं, और इसको जो है ब्रेड पे आपके लगा के आप दे सकते हैं मॉर्निंग टाइम में, फास्ट जैसे कि ब्रेकफास्ट के टाइम में आप इसमें दे सकते हैं अपने बच्चों को। इससे आपके बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, भूख भी उसको सही लगेगी, और उसका जो है नरिशमेंट भी सही होगा, ग्रोथ भी अच्छी होगी उसकी, और उसका जो है ब्रेन भी जो है स्ट्रॉन्ग होगा, और आपके जो है मसल्स भी उसके सही से डेवलप हो पाएंगे, उसकी ग्रोथ जो है हाइट भी उसकी जल्दी निकल पाएगी, इसकी जो ग्रोथ जो रुकी हुई है वो ग्रोथ भी जल्दी उसकी होगी। ये अपनी वाइफ को भी आप दे सकते हैं और अपने पेरेंट्स के भी दे सकते हैं, खुद भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस मेडिसिन की, इस माल्ट की, इस प्रोडक्ट की आप सभी को कम्प्लीट नॉलेज दे दी है, लिटरली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, पूरी तरह से मैंने आपको समझा दिया है, पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। सो ये जो वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आप सभी के लिए यूज़फुल वीडियो है, यूज़फुल प्रोडक्ट है, क्रिटिकल माल्ट है। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो शेयर जरूर करें, चैनल पर नए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में जो बेल आइकन बटन है उसको ऑल प्रेस जरूर कर लें, जैसे मैं अगर मैं अपने यूट्यूब चैनल कोई भी नया वीडियो डालता हूँ उसकी जो नोटिफिकेशन है आप सभी पहले पहुँचे। सो गाइस आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, सो हाउ डू यू लाइक दिस वीडियो, डू कमेंट बिलो एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो एंड कीप स्प्रेडिंग दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो एवरीवेयर एंड डू स्प्रेड दिस वीडियो एवरीवेयर। सो गाइस प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड काइंडली हिट द बेल आइकन बटन बस फॉर वॉच मोर वीडियोज। सो यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक पेज एंड यू कैन फॉलो ट्विटर पेज। सो कीप योर सेल्फ हैप्पी एंड कीप योर सेल्फ हेल्थी एंड कीप योर सेल्फ सेफ। सो अंटिल यू स्टे कनेक्ट विद अस, सो मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें, खुश रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। सो गाइस थैंक गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में जो बेल आइकन बटन है उसको ऑल पर जरूर कर लें। सो गाइस थैंक गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।